हमारे माशरे में ना शादी और बच्चा पैदा करना लोगों की अचीवमेंट है। बीबी तुम्हारी तो एज निकल गई है और तुमने अगर बच्चा पैदा नहीं किया तो इसको तो दूसरी लड़की मिल जाएगी, ये तो दूसरी शादी कर लेगा, इसको तो 16 साल की लड़की मिल जाएगी और ये दूसरी शादी कर लेगा, और तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हें ये बच्चा पैदा करना है। ये एक डॉक्टर का स्टेटमेंट था एंड आई वाज लाइक अच्छा हक तो ये बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि हर किसी की पर्सनल लाइफ है, वो शादी कर रहा है या नहीं कर रहा, शादी हो रही है या नहीं हो रही, बच्चे हैं या नहीं हैं, ये उसकी उसकी ज़ात से जुड़ा हुआ है। आपको एक हद तक कंसर्न होना चाहिए, लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद वो अगले बंदे को नागवार गुजरता है। दो तीन दफ़ा तो मेरे बॉस ने मुझसे इस तरह पूछा है कि तुम कोशिश क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, एंड आई वॉज़ लाइक पहले मेरे कानों से धुआं निकल जाता था और मैं ये सोचती कि मतलब क्या, मतलब क्यों। मेरे दादा का इंतकाल हुआ था, अगले दिन हमारे घर में शायद कुरान खानी थी, मेरी एक बहुत बुरा मतलब रिलेटिव्स हैं मेरे अपने, मतलब मेरी मैके से, तो मैं अपने कज़न के बेटे को चुप करा रही थी, उनकी वाइफ जो है वो सिपारा पड़ी थी, तो वो मुझे बुला के कहने लगी कि बेटा तुम, मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे उस वक्त, कि अगर तुम बच्चा पैदा कर लेती तुम्हारे दादा देख के मर जाते। एंड आई लिटरली डिडंट रियलाइज़ कि वो किस, मेरे दादा कल मरे हैं ठीक है, और आप मुझसे आज ये बात कर रही हैं, हाउ इनसेंसिटिव यू कैन बी टू से दैट। चूँकि मेरे बच्चे नहीं हैं तो अब अगर मैं किसी के बच्चे को प्यार करती हूँ या उसको गोद में लेने की कोशिश करती हूँ तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को कुछ लोग बेचारगी की नज़र से देखते हैं, कुछ लोग इस नज़र से देखते हैं कि हाँ बस अल्लाह ताला तुम्हें भी ऐसे एक बच्चा दे दे या तुम्हारी भी वो कर दे। तो मैं एक लम्हे के लिए यूँ हो जाती हूँ कि यार मैंने किसी बच्चे को प्यार करने के लिए गोद में ले लिया है तो इट डजंट मीन कि मैं कोई मतलब बेचारी हो गई हूँ, आई एम नॉट बेचारी। औरत इतना नहीं बोलती लेकिन मर्द ज़्यादा हमारे को बोलते हैं कि यार आप इस हकीम के पास चले जाओ, उस हकीम के पास चले जाओ। कि मेरे सर्कल में बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि मुझे ये राय देते हुए मिले हैं, तो फिर उनसे दूर ही रखना ही ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोगों को डायरेक्ट पूछ लेते थे, कोई तंस करते थे, कुछ लोग अपने बच्चों को दिखा दिखा कर बताते थे कि 1 साल में हो गया था। मेरे हस्बैंड का काम इस तरह का है कि वो यूजुअली 4-5 महीने 3-4 महीने के लिए साल में अपने ऑफिस के काम से जाते हैं, कभी शहर से बाहर कभी मुल्क से बाहर, तो लॉट ऑफ पीपल कम अप विद द आइडियाज़ कि अच्छा क्योंकि तुम्हें तुम्हारे शौहर का तुमसे इंटरेस्ट ख़त्म होता चला जा रहा है बिकॉज यू डोंट हैव किड्स, दैट्स वाई ही कीप गोइंग ऑन सच ट्रिप्स। तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई मसला नहीं है, बट आप एक ऐसी चीज़ मेरे दिमाग के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती। तजुर्बात करने लग जाती हैं हमारी ख़वातीन कि अब आप मेरी बॉडी के साथ, क्योंकि औलाद नहीं हो रही तो आप मेरी बॉडी के साथ तजुर्बात करना शुरू कर दें, डॉक्टर्स को कहती हैं, तो वो मैंने नहीं किया। मेरा मास्टर्स करना या मेरा बैचलर्स करना या मेरा गोल्ड मेडल ले लेना या मेरा अवार्ड ले लेना, लोग इसको अचीवमेंट नहीं समझते, लोग बच्चा पैदा करने को ही अचीवमेंट समझते हैं। हमने ये सोचा हुआ था कि अगर नहीं भी हुआ ना तो हम एडॉप्ट ज़रूर करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें दिया जब भी और नहीं दिया जब भी, दोनों सूरतों में हमने एडॉप्ट तो करना ही था बच्चा। बाकी ये कि इनको छोड़ना इस उसके ऊपर या मैं तो इम्पॉसिबल है। एक दूसरे का जब हम साथ देते हैं, हम ऐसी जंग में नहीं हैं, हरीफ नहीं हैं, हम तो पार्टनर्स हैं, तो जब ये सोच लेते हैं तो मसाइल बड़े हल हो जाते हैं। दूसरों का दिल ना दुखाया करें कि भाई ये बात बार बार करके औलाद क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, तो बस मैं यही बोलूँगा कि भाई अपनी ज़िंदगी जियो और दूसरों को भी जीने दो।